अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है ये चीज़ बनाना। एक तरह से ये शाइन इफेक्ट भी नज़र आ रहे हैं और दूसरा ये एक पार्ट का शक्ल भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा दूंगा कि ये चीज़ कैसे बनते हैं। इसमें तीन चार चीज़ें हैं, एक तो शाइन इफेक्ट दे रहे हैं, एक तो इसका शेडो है और पार्ट टाइप का भी बन रहा है। तो ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखना है आप लोगों ने। अगर मेरे बिगनर्स वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट को भी लाजमी देखें। तो आइए दोस्तों, टाइम ज़ाय किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको साइड पे कर देता हूं। अब मैं सबसे पहले यहां से एक इलिप टूल लेता हूं। इलिप टूल को बिल्कुल सर्कल पे मैं यहां पे लेता हूं और मैं इसका कलर चेंज करता हूं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप लोग लास्ट तक वीडियो लाजमी देखें। दो तीन स्टेप में, एक मिनट भी नहीं लगेगा आप लोगों को ये चीज बनाने में। ये मैंने कलर चेंज की इसकी और इसी को कंट्रोल सी करता हूं। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एफ इसके फ्रंट पे कॉपी होता है। शिफ्ट और आल्ट की मदद से मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। छोटा करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से डाउन एरो के साथ थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको। और इसके बाद मैंने इसका कलर बिल्कुल हल्का सा मैंने चेंज किया। ज्यादा चेंज नहीं करना आप लोगों ने, फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस पे। हल्का सा मैंने चेंज किया इसका। और इसके बाद मैं एक और इलिप लेता हूँ। इलिप लेने के बाद मैं यहाँ से एक और इलिप बना लेता हूँ, जिससे कि एक तरह से उसका शाइन भी बनेगा यही चीज और पार्ट जैसा भी यही चीज बनेगा। ये देखें, मैंने यहाँ से इसकी इलिप बना ली और मैं यहाँ पे आता हूँ। ये यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पे विंडो में जाएं। विंडो में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएगी ग्रेडियंट। ये देखें, ग्रेडियंट आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएगी और आप लोगों ने इसको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये ग्रेडियंट बन रहा है। अभी दोस्तों एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, वो ये कि मैंने यहाँ पे ब्लैक की ओपेसिटी मैंने 40 किया भाई। अगर मैं इसको 100% कर दूं तो फिर ये बिल्कुल ब्लैक नजर आएगा, लेकिन हमें 100% नहीं चाहिए, हमें 40% चाहिए। तो मैंने यहाँ से 40% की और इसका मसला ये बन रहा है, ये इस तरफ आ रहा। तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे आना है ग्रेडियंट टूल पे, इसकी शॉर्टकट की है जी। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है। आपने ऊपर से नीचे की तरफ इसको ले आया, ये देखें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों ने इसको चेंज करना है। अब ये हमारे पास एक पार्ट जैसा बन गया है। अब इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा आगे पीछे करके। मैंने आप लोगों को ये आसान तरीका बता दिया है और इसमें बहुत सारी चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे फीदर लगा सकते हैं। यहाँ पे गया इफेक्ट में जाके स्टाइलाइज और स्टाइलाइज के बाद आप लोगों ने फीदर, इसको फीदर आप दे सकते हैं ताकि शार्प ना हो और यहाँ से ओके कर दें। और इसके बाद हमारा एक और चीज रहता है, इस पे शेडो लगाना ताकि ये रियल लगे। अब हम यहाँ पे इलिप टूल पे आया। इलिप टूल पे आने के बाद यहाँ पे एक इलिप्स एक शेप ड्रा की और इसका कलर बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है, इस वजह से नजर नहीं आ रहा। मैंने इसको ब्लैक किया। ब्लैक करने के बाद मैं इफेक्ट में फिर स्टाइलाइज, स्टाइलाइज पे आने के बाद यहाँ पे फेदर पे मैंने क्लिक किया और इसको आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं और ओके किया यहाँ से। और अगर फिर भी आप लोगों का ये सही नजर नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज अगर नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे से आप लोग प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। ये देखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज मेरा चेक लगा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट रखा हुआ है। और यहाँ से आप लोग इसकी ओपेसिटी इसको कम कर सकते हैं ताकि ये रियल शेडो लगे और इसके बाद आप लोग इसको ग्रुप कर दें। अब मैं एक और मजे का चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है सिर्फ उन्हीं लोगों को ये राज मालूम हो जाएगी। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे आल्ट के साथ, आल्ट के साथ माउस लेफ्ट क्लिक करके मैंने यहाँ पे कॉपी की, लेकिन मैंने इसकी कलर चेंज करना है तो वन बाई वन मैं पहले इसका कलर चेंज करूँ फिर इसका करूं और इसी तरह बहुत सारे अगर हमारे पास कलर हो तो हम एक एक करके चेंज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इलस्ट्रेटर वालों ने यहाँ पे आसान सा तरीका रखा हुआ है, वो ये कि आप लोग यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी। इसको साइड पे करता हूँ मैं और यहाँ से ये देखें आप लोग इसको ब्राइट कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरफ अगर आप लोग ले ये डार्क हो जाएगी। ये देखें आप लोगों को चेंज इसमें नजर आ रहे हैं। मैं इसको ब्राइट, थोड़ा ब्राइट रखना चाहता हूँ और मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। ये उसी रेशियो के हिसाब से चेंज होगा, ये कलर भी और ये कलर भी। अगर इसके अलावा भी कोई कलर हो फिर वो उसी हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे दो कलर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, मैं इसको येलो कलर चाहता हूँ। तो फिर ये देखें ये बिल्कुल उसी रेशो से यहाँ पे भी चेंज हो गए हैं। अब मैं इसको ओके करने के बाद यहाँ पे ऑल्ट के साथ एक और कॉपी बनाता हूँ। यहाँ पे ये एक और कॉपी बन गई हमारे पास और मैं इसको भी इसी तरह ब्लू करना चाहूंगा, डार्क ब्लू अगर मैं करना चाहूँ यहाँ पे ले आऊंगा। ये देखें ये कलर भी हमारा चेंज हो गया। इसी तरह आप इसकी मुख्तलिफ कॉपीज बना सकते हैं और कलर भी एक से ज्यादा कलर हो आप लोग आसानी के साथ बिल्कुल उसी रेशो के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। वरना ये होता है कि हमारे पास कई कलर्स होते हैं तो एक एक करके उनको चेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को यकीनन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट में बता दें और मैं उस पर वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।